नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए एक छोटी सी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। तो दोस्तों, जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर किसी पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं या अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, तो एक ऑटो प्ले का बॉक्स बन के आता है, ये देखिए कुछ इस तरीके का। तो दोस्तों, अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं, आपको ये डिस्टर्ब करता है जब भी पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, तो इस बॉक्स को जो है डिसेबल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ऑटो प्ले बॉक्स को डिसेबल करने के लिए आपको जाना होगा स्टार्ट मेनू पे, इसके बाद यहाँ कंट्रोल पैनल पे। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, और ज़्यादा ऑप्शन लाने के लिए आपको क्लिक करना होगा कैटेगरी वाले ऑप्शन पे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपको क्लिक करना होगा स्मॉल आइकन पे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो प्ले का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूज ऑटो प्ले फॉर ऑल मीडिया एंड डिवाइसेस, तो ये अभी टिक है, इसको अनटिक कर देना है और इसके बाद सेव करना है। तो दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा, सेव जरूर करिएगा, वरना जो ये काम नहीं करेगा। तो इस पर सेव पे क्लिक करें। अब चलिए मैं पेन ड्राइव को लगाता हूँ। ये देखिए पेन ड्राइव है, तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ। तो ये देखिए पेन ड्राइव मैंने लगाया और यहाँ पर देखिए कोई भी बॉक्स नहीं आया है ऑटो प्ले का। अब चलिए मैं पेन ड्राइव निकाल लेता हूँ और फिर से यहाँ ऑटो प्ले पे क्लिक करता हूँ। इसको अनेबल करने के लिए फिर से आप जो है यही ऑप्शन को अनेबल कर देंगे, टिक कर देंगे, और जैसे ही सेव करेंगे, अब ये जो है अनेबल हो गया है। तो चलिए मैं अब आपको लगा के दिखाता हूँ एक पेन ड्राइव। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने पेन ड्राइव लगाया, अब ये ऑटो प्ले वाला ऑप्शन काम कर रहा है। तो जब आपको डिसेबल करना होगा तो यहाँ ऑटो प्ले वाला जो ऑप्शन है ये आपको अनटिक कर देना है, सेव कर देना है। अब ये देखिए फिर से लगाता हूँ, ये देखिए पेन ड्राइव आपकी आ गई है यहाँ पे, ये देखिए, लेकिन जो है अब ऑटो प्ले नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर सब्सक्राइब करिएगा तो साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई नई वीडियो अपलोड करूँगा उस वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले नए वीडियो में।